एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा जागृति अभियान के अंतर्गत शासकीय स्कूल में थाना प्रभारी ने बच्चों से संवाद किया व इस दौरान बच्चों की समस्याएं भी सुनी। समाज में शांति, सुरक्षा, उन्नति व प्रगति लाने के लिए एवं महिलाओं के विरुद्ध गठित होने वाले अपराधों, हिंसों एवं प्रताड़ना को रोकने के लिए जागृति अभियान की शुरुआत की गई। इसी क्रम में हरण गांव के थाने के थाना प्रभारी एस के झांझोट ने विक्रमपुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्ट जागृति शिविर का आयोजन किया, जिसमें स्कूल के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 250 बालक बालिकाओं को बताया कि अगर घर में कोई सदस्य किसी भी तरह का नशा करते हैं तो उन्हें रोके, विद्यालय जाते या आते समय रास्ते में अगर कोई परेशान करे तो उसकी शिकायत अपने शिक्षक को या माता पिता को या 100 नंबर पर डायल कर नजदीकी पुलिस को करे। बाइक बिना लाइसेंस व बिना हेलमेट के ना चलाएं। अकेले यात्रा करने के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा की जानकारी दी। संवाद के दौरान जब थाना प्रभारी ने छात्राओं से पूछा कि अगर आपकी कोई समस्या हो तो बताएं। इस दौरान छात्राओं ने थाना प्रभारी झंझोट को बताया कि हमारे विद्यालय में एक भी महिला शिक्षिका नहीं है, इससे हमें पढ़ाई को लेकर बहुत परेशानी आती है। कई बार हमने मांग की है लेकिन अभी तक हमारे विद्यालय में महिला शिक्षक नहीं मिली। अगर महिला शिक्षक आ जाए तो हमें पढ़ने व समझने में काफी सहूलियत रहेगी। इस दौरान स्कूल में अतिथि शिक्षक उपेंद्र सेंधव, सुरेश बरखेन, संतोष धनवारे, दिलीप परमार सहित छात्र छात्राएं मौजूद थे। क्या कार्यक्रम था आज स्कूल में? हम लोग हाई सेकेंडरी स्कूल में आए हैं विक्रमपुर में, और बच्चों को पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है प्रतिकार और प्रतिहार। तो उसमें दोनों चीज़ें, एक तो नशा मुक्ति रहे घर भी बाहर भी, नशा कोई ना करे, यातायात के नियमों के बारे में, छेड़खानी अपराधों के बारे में बच्चों को समझाइश दी गई और उन्होंने समझा भी है बच्चों ने, इससे उनको भी लाभ पहुँचेगा, परिवार वालों को भी लाभ पहुँचेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।